है खबर हरियाणा से आपको बता रही है। हरियाणा में आज से शुरू होगी विकसित भारत संकल्प यात्रा। फरीदाबाद से मुख्यमंत्री मनोहर लाल इसकी शुरुआत करेंगे। फतेहपुर बिलोज गांव से करेंगे यात्रा की शुरुआत। गुरुग्राम में दुष्यंत चौटाला करेंगे यात्रा की अगुवाई। भिवानी में जेपी दलाल यात्रा की अगुवाई करेंगे। आज हरियाणा में विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत होगी। गुरुग्राम में दुष्यंत चौटाला यात्रा की अगुवाई करेंगे तो वहीं भिवानी में जेपी दलाल यात्रा की अगुवाई करेंगे और फरीदाबाद से सीएम यात्रा की शुरुआत करेंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत, इसमें कई योजनाओं को लेकर अवगत करवाया जाएगा। आपको बता दें कि फरीदाबाद से मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस यात्रा की शुरुआत करेंगे तो वहीं भिवानी की बात करें तो भिवानी से चलिए ज्यादा जानकारी के लिए फरीदाबाद से संवाददाता अनिल राठी मेरे साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। अनिल, आज हरियाणा में विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत हो रही है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल फरीदाबाद से इसकी शुरुआत करने वाले हैं, क्या कुछ पूरी जानकारी इस कार्यक्रम को लेकर? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि फरीदाबाद में जो है वो मुख्यमंत्री का 2 दिवसीय दौरा है, जो कि कल से ही जो है वो मुख्यमंत्री खुद यहाँ पे जो है वो फरीदाबाद में ही बसते हैं। रात को ही पहले ग्रीवेंस की बैठक में जो है वो उन्होंने हिस्सा लिया। रात सुबह 10 बजे फतेहपुर बिल्लोद से जो है वो इस मिशन की जो है वो शुरुआत की जाएगी। तो साफ तौर से जो है वो जिस तरीके से पूरे देश में जो है वो ये मुहिम देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो है वो चलाई गई थी, इसको लेकर के जो है वो विकसित भारत को लेकर के हर जगह जो है वो इस तरीके की यात्रा निकाल जा रही है। इनका उद्देश्य साफ तौर से यही है कि कहीं ना कहीं लोगों को जो सरकार की नीतियां हैं, सरकार की जो कार्य, सरकार ने जो उपलब्धियां की हैं, उनको जो है वो जन जन तक पहुंचाना और उनको जो है वो लोगों तक जो है वो दिखाना। तो तमाम इन चीजों को लेकर के इस तरीके की जो विकसित यात्रा है पूरे भारत के अंदर, पूरे हरियाणा के अंदर जो है वो आज निकाली जा रही है, जिसमें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल 10:30 बजे के आसपास जो है वो फतेहपुर बिल्लोद में पहुंचेंगे। इससे पहले जिला प्रशासन ने पूरी तैयारियां जो है उसका जो है वो जायजा ले लिया है। तमाम आसपास के इलाकों में जो है वो साफ सफाई और स्वच्छता का जो पूरे तरीके से ध्यान रखा गया है। तमाम कार्यकर्ता जो है वो फिलहाल बात करी जाए तो अभी लगभग 9:30 बजे के आसपास से ही जो है वो जुटने वहां पर शुरू हो जाएंगे, जिसके बाद मुख्यमंत्री झंडी दिखा करके जो है वो इस यात्रा की शुरुआत करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल आपका तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। और इसी खबर पर भिवानी से हमारे साथ हमारे संवाददाता जगवीर भी जुड़ चुके हैं। जगवीर, अगर भिवानी से बात करें तो आज विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत हो रही है, इसकी अगुवाई भिवानी से कृषि मंत्री जेपी दलाल करने वाले हैं, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी? जी दीपिका, अगर भिवानी की बात करें तो भिवानी में भी जो संकल्प यात्रा इसको लेकर हर पूरी तैयारी कर ली गई है प्रशासन की तरफ से या बीजेपी संगठन की तरफ से। कल उनका जायजा भी लिया गया था और आज करीब 10 बजे कृषि मंत्री जेपी दलाल इसको झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसके साथ ही उनके साथ जो है विधायक दिसंबर वाल्मीकि और विधायक घनश्याम सराफ जो भिवानी से विधायक है, वो भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। और पता जा रहा कि जो यात्रा है इसका उद्देश्य जो है सरकार की, केंद्र सरकार के प्रदेश सरकार की जो नीतियां हैं, जन कल्याण की नीतियां हैं और जो बिजली जोर देती है कि अंत्योदय योजना, उनको लेकर जो भी योजनाएं हैं उनको जन जन तक पहुंचाना है। और कह सकते हैं कि एक तरह से चुनावी तैयारी में या चुनावी मोड में बीजेपी है और अपनी हर योजना को जन जन तक पहुंचाकर उसका फायदा लेना चाहती है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जगवीर आपका तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। और अब सिरसा से हमारे संवाददाता नकुल जसूजा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नकुल, सिरसा से आज विकसित भारत संकल्प यात्रा की अगुवाई करने वाले हैं बिजली मंत्री रणजीत सिंह, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ तैयारियां वहां पर की गई है? नकुल, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हरियाणा में विकसित भारत संकल्प यात्रा की आज से शुरुआत होने वाली है और आपको बता दें यात्रा के जो कार्यक्रम है वो कुछ इस तरह से प्रस्तावित है, जहां पर फरीदाबाद से मुख्यमंत्री मनोहर लाल इसकी शुरुआत करेंगे तो वहीं अगर भिवानी की बात करें तो वहां से कृषि मंत्री जेपी दलाल इसकी अगुवाई करेंगे। गुरुग्राम में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला होंगे, इसके साथ ही सिरसा से बिजली मंत्री रणजीत सिंह भी यात्रा की अगुवाई करेंगे। तो चलिए, हमारे साथ कुरुक्षेत्र से हमारे संवाददाता राजीव अरोड़ा जुड़ चुके हैं। राजीव, विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत हो रही है, कुरुक्षेत्र में क्या कुछ कार्यक्रम इसको लेकर किए जा रहे हैं, क्या कुछ तैयारियां की जा रही है? जी देखिए, बताना चाहूंगा जो ये विकसित भारत संकल्प और जन संवाद यात्रा है ये कुरुक्षेत्र के 2 जगह से शुरू होगी। सेवा के थाना गांव से जो है राज्य मंत्री संदीप सिंह और थानेसर के प्रतापगढ़ से विधायक सुभाष सुधा जो है इसकी शुरुआत करेंगे, इसका शुभारंभ करेंगे। तो जिसके लिए तमाम जो तैयारियां हैं वो कर ली गई है।
और जो लोगों में भी जो है इस यात्रा को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। और सबसे पहले जो है गांव थाना से जो है राज्य मंत्री संदीप सिंह इसकी शुरुआत करेंगे, उसके बाद जो है जो थानेसर के विधायक है सुभाष सुधा, वो थानेसर विधानसभा का प्रतापगढ़ गांव है वहां से जो है इसका शुभारंभ करेंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजीव तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। हरियाणा में विकसित भारत संकल्प यात्रा की आज से शुरुआत होगी, जिसकी शुरुआत मुख्यमंत्री मनोहर लाल करेंगे।